जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरा नर्सिंग होम गली में। ये जो आप गटर देख रहे हो जो ओपन है, ये अस्मिता सुपरमार्केट के सामने जो गली है वहाँ के एरिया का ये गटर है। मुझे ये गटर देख के याद आ गया कि ऐसी कई मौतें हुई है गटर में गिरने की वजह से, लोगों की मौत हुई है। मीरा भाईंदर की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये गटर देख के वो न्यूज़ याद आ गई, क्योंकि मैंने भी इसके संबंध में न्यूज़ किया था इससे पहले। आपको मैं बता दूँ कि इसकी मैंने कंप्लेन MBMC के अधिकारियों से की थी, जो सफाई कर्मचारियों के साथ रहते हैं MBMC अधिकारी, उनसे मैंने इस संबंध में कंप्लेन की थी। तो उन्होंने बोला था कि हमने इसे रिपोर्ट तो कर दिया है, लेकिन मैं इसे कई महीनों से देख रहा हूँ, ये ऐसे ही ओपन है ये गटर। मुझे इस बारे में हमारे एक व्यूअर ने बताया था, गटर खुला हुआ है, यहाँ बच्चे घूमते रहते हैं, कोई गिर गया, कोई अप्रिय घटना हो गई। हमारे एक व्यूअर ने बताया था जो यहीं आसपास रहते हैं कि आप इस इशू को उठाओ ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। तो मैं MBMC से अपील करना चाहूँगा कि ये अस्मिता सुपरमार्केट के सामने एक गली है, वहाँ ये गटर खुला हुआ है, और प्लीज़ आप इसका ढक्कन लगा दीजिए ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। दोस्तों, मैं आपको लोगों को एक और जानकारी ये देना चाहूँगा कि वी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप आयोजन किया जा रहा है। इसके संबंध में जो डिटेल्स है वो स्क्रीन पर भी चल रही है, तो आप ज़रूर इस कैंप का फ़ायदा उठाएं। और अगर मैं वी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करूं, तो ये एक अच्छा हॉस्पिटल है जिसका रेट भी काफ़ी सस्ता है, अफोर्डेबल है। तो वी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया जा रहा है, तो उसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। और मैं फिर से MBMC से अपील करूँगा कि ये गटर पर आप ढक्कन लगा दें ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। अंत में मैं बस आप सबसे यही कहूँगा, ईश्वर गॉड अल्लाह भगवान आप सबको सलामत रखे, आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।